निक्का द्वारा 42मा वर्षे पोलो ग्राउंड खाते रामलीलानुं मंचन तेमज रावण दहनना कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जे संदर्भे पत्रकार परिषदनुं आयोजन कर्युं हतुं। उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा दशहराना दिवसे पोलो ग्राउंड खाते भव्य रामलीलानी भजवणीना कार्यक्रम साथे रावण दहन कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। निक्काना अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता अने महामंत्री एके मिश्रा द्वारा पत्रकार परिषदमां माहिती आपता जणाव्युं हतुं के दशहराना दिवसे रामलीलानी भजवणी बाद रावण, मेघनाद अने कुंभकर्णना पुतळाने भव्य आतिशबाजी साथे दहन करवामां आवशे। आ वखते रामलीलाना चेरमेन आर के तिवारी, मुख्य संयोजक सरगम गुप्ता, संयोजक प्रेमराज कश्यप रहेशे। रामलीला भजवणी अर्थे निर्देशक शशिकांत दास, राजेंद्र गोस्वामी, अतुल श्रीवास्तव अने योगेश भट्ट सेवा आपी रह्या छे। निकाना फाउंडर हसमुखभाई शाह, पूर्व अध्यक्ष के मित्रा, राधेश्याम काबरा पण पत्रकार परिषदमां उपस्थित रह्या हता। पोलो ग्राउंड पे जो दशहरा के दिन रामलीला और रावण दहन आयोजित होता है, उसे उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ आयोजित करती आ रही है। इस बार हम 42वीं रामलीला दशहरा के दिन 5:30 बजे से आयोजित करने जा रहे हैं। कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के तीनों पुतले बन के तैयार हैं। कल हम उसे GIDC से पोलो ग्राउंड पे शिफ्ट करेंगे और असेंबल किया जाएगा वहीं पे, और 2 घंटे की रामलीला की जाएगी। 2 घंटे की रामलीला के बाद इन तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा और भव्य आतिशबाजी की जाएगी। बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में निका ये कार्यक्रम पिछले 42 वर्षों से मनाती आ रही है। मैं बड़ोदरा शहर की संस्कारी जनता को आमंत्रित करता हूँ कि 5 अक्टूबर को दशहरा के दिन आइए और इस कार्यक्रम का लाभ लीजिए।